जय श्री राधे भक्तों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं श्री शिव गीता से अध्याय 15 की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आपकी भक्ति कैसी है और किस प्रकार उत्पन्न होती है? जिसके प्राप्त होने से जीव निर्वाण हो जाता है और मुक्त पदवी प्राप्त करता है, ये सब आप मुझसे वर्णन कीजिए, जिससे संसार की निवृत्ति प्राप्त हो। शिव जी बोले, जो वेदाध्ययन, दान, यज्ञ संपूर्ण मुझे अर्पण बुद्धि से करता है, वह मेरा भक्त और मेरा प्रिय है। जो ये सोचता है कि उसका शरीर शिवालय है और इसमें सच्चिदानंद स्वयं शिव हैं, बुद्धि रूप श्री पार्वती जी हैं और उनके साथ चलने वाले नौकर प्राण हैं, और विषयानंद के निमित्त वह व्यक्ति जो कुछ खाता, पीता, देखता, सुनता, बोलता, स्पर्श करता है, वह सब शिव जी का पूजन है। निंद्रा समाधि है, फिरना प्रदक्षिणा है, वचन स्तुति है। हे शिव, इस प्रकार मैं आपका आराधन करता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करो, इस प्रकार आराधना और कर्मों को मुझे अर्पण करे। अग्निहोत्र की पवित्र भस्म लाकर अथवा क्षोत्रिय ब्राह्मण के स्थान से लाकर अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से यथाविधि अभिमंत्रित करे। अपने शरीर में उसे लगाकर भस्म द्वारा ही जो मेरा अर्चन करता है, हे राम, उससे अधिक मेरी भक्ति करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जो प्राणी मस्तक और कंठ में रुद्राक्ष को धारण करता है और नमः शिवाय इस पंचाक्षरी विद्या का जप करता है, वह मेरा भक्त और मुझे प्यारा है। भस्म लगाने वाला, भस्म पर शयन करने वाला सदा जितेंद्रिय, जो सदा रुद्र सूक्त जपता है और अनन्य बुद्धि से मेरा चिंतन करता है, मैं उसी देह से शिव स्वरूप हो जाता है। जो रुद्र सूक्त या अथर्वशीष मंत्रों का जप करता है, कैवल्योपनिषद वा श्वेता श्वेतर उपनिषद का जो जप करता है, उससे अधिक मेरा दूसरा भक्त इस लोक में नहीं है। धर्म से विलक्षण, अधर्म से विलक्षण, कार्य और कारण से परे, भूत और भविष्यकाल से भी परे, जिसको मैं कहता हूँ वो आप सुनो। जिस वस्तु को वेद और सब शास्त्र वर्णन करते हैं, जो संपूर्ण उपनिषदों से सार ग्रहण किया है, जैसे दही में से घृत, जिसकी इच्छा करके मुनिजन ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, वह अकार, उकार, मकारात्मक हमारा पद है। सो मैं आपसे संक्षेप में वर्णन करता हूँ। यही अक्षर परम ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म है। इसी अक्षर ब्रह्म के जानने से ब्रह्म लोक को प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं। यही उत्तम आधार है, यही उत्तम तारक है। इसको जान के ब्रह्म लोक में पूजित होते हैं। जो वेद रूपी धेनुओं में श्रेष्ठ है, ऐसा वेदांत प्रतिपादन करता है, यही मोक्ष का धारण करने वाला और संसार सागर का सेतु है। वह वस्तु क्या है, अब उसका वर्णन करते हैं। वह भेद से आच्छादित हुए कोश अर्थात हृदयाकाश में जो ब्रह्म है, उसे ओंकार कहते हैं। यही परम मंत्र है और इसी में सब लोक निवास करते हैं। ओंकार ही ब्रह्म है, सब कुछ है। उसकी चार मात्रा है, अकार, उकार, मकार और अंत की कारण रूप आधी मात्रा है। पहली अकार रूप मात्रा में भूलोक, ऋग्वेद, ब्रह्म वेद, आठ वसु, गार्यपत, अग्नि, गायत्री, छंद और प्रातः सेवन, ये आठ देव निवास करते हैं। दूसरी उकार मात्रा में भूवर लोक, विष्णु, रुद्र, अनुष्टुप, छंद, यजुर्वेद, यमुना नदी, दक्षिणाग्नि, मध्यान्दिन, सवन, यह देवता निवास करते हैं। तीसरी प्रकार की मात्रा में स्वर लोक, सामवेद, आदित्य, महेश्वर, आहवनी अग्नि, जगत छंद और सरस्वती नदी और अथर्ववेद, तृतीय सवन, ये वास करते हैं। जो चौथी मात्रा है वह सोमलोक, अथर्वांगी रस, गाथा संवर्तक, अग्नि महर लोक, विराट, सभ्य और आवसत्य अग्नि, शुतद्री नदी और यज्ञ पुच्छ, ये देवता निवास करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्था से परे अमत्रिक, तुरिया, अवस्था रूप आत्मा ही है। ये वाचक, वाच्य रूप वाणी मन का मूल अज्ञान दूर करने से व्यवहार के अयोग्य है।
तथा प्रपंच रहित शिव स्वरूप है और अद्वैत है। यह उच्चारण किया हुआ ओमकार आत्मा ही है, ऐसे जो जानता है वह अपने आत्मा से परमार्थ रूप आत्मा में प्रवेश करता है और जन्म के कारणों का लेकर फिर उत्पन्न नहीं होता। पहली मात्रा रक्त वर्ण, दूसरी भास्वर अर्थात प्रकाश युक्त वर्ण, तीसरी बिजली के वर्ण की तथा चौथी मात्रा शुभ वर्ण है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न होगा, स्थावर जंगमात्मक अनेक प्रकार, यह जगत ओंकार में ही प्रतिष्ठित है। भूत भविष्य रूप ये संसार रुद्र रूप ही है और रुद्र में प्राण और उससे भी ओंकार स्थित है। तात्पर्य यह कि शिव और ओंकार एक स्वरूप हैं। वह शिव रूप सनातन ब्रह्म ओंकार ने ही वर्तमान है और इस कारण ओंकार को जपने वाला निसंदेह मुक्त हो जाता है। श्रोत अग्नि से अथवा स्मार्ट अग्नि से अथवा शैवाग्नि से उत्पन्न हुई भस्म को जो ओंकार से अभिमंत्रित कर ओंकार द्वारा मेरा पूजन करता है, उससे अधिक संसार में मेरा दूसरा कोई प्रिय भक्त नहीं है। घर की अग्नि अथवा वन की अग्नि की भस्म को ओंकार से अभिमंत्रित करके जो अपने शरीर में लगाए वह शूद्र भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। दभांकुर विल्व पत्र तथा और भी वन के पर्वत के उत्पन्न हुए फूलों से ओंकार द्वारा जो मेरी नित्य पूजा करता है वह मेरा प्रिय है। पुष्प फल मूल पत्र किंवा जल से जो ओंकार युक्त मेरे निमित्त दान करता है वह करोड़ गुना पुण्य प्राप्त करता है। किसी प्राणी मात्र की हिंसा ना करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, वायाभ्यंतर शौच युक्त, इंद्रिय निग्रह करने वाला, वेदाध्ययन में तत्पर जो मेरा भक्त है वह मुझे अति प्रिय है। जो कोई प्रदोष के समय मेरे स्थान में जाकर मेरी पूजा करते हैं वह अत्यंत लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं और अंत में मुझ में लय हो जाते हैं। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन तिथियों में जो सर्वांग में भस्म लगाकर रात्रि के समय मेरा पूजन करते हैं वह मेरे प्रिय भक्त होते हैं। जो एकादशी के दिन व्रत रखकर प्रदोष के समय मेरा पूजन करता है और विशेष करके जो सोमवार के दिन मेरी पूजा करता है वह मेरा प्रिय भक्त है। जो पंचामृत, पंचगव्य, पुष्प सुगंध युक्त जल अथवा कुश के जल से मुझे स्नान कराता है उससे अधिक मेरा कोई प्रिय नहीं है। दूध, घृत, मधु, ईक्षुरस अर्थात गन्ने का रस, पके आम का फल और नारियल के जल से अथवा जो गंध युक्त जल से रुद्र मंत्र उच्चारण करता हुआ मेरा अभिषेक करता है उससे अधिक प्यारा मुझे दूसरा कोई नहीं है। जो जल में स्थित हो, सूर्य की ओर मुख किए, ऊपर को बाहें उठाए, सूर्य के बिंब में मेरा ध्यान करता हुआ अथर्वागी रस का जप करता है वह इस प्रकार मेरे शरीर में प्रवेश करता है जैसे गृहपति घर में प्रवेश करता है। मेरे मंत्रों का जो मेरे सम्मुख गान करते हैं वे इस लोक में परम सुख को भोग कर अंत में मेरे स्थान को प्राप्त होते हैं। अथवा जो ईशावास्यादि मंत्रों को सावधान होकर मेरे सन्मुख जप करते हैं वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो मेरे लोक में अक्षय सुख का भोग करते हैं। हे रघुनाथ, ये मैंने भक्ति योग तुम्हारे प्रति वर्णन किया, ये मनुष्यों को सब कामना को देने वाला है, अब और क्या सुनने की इच्छा करते हो। तो भक्तों, ये थी अध्याय 15 की कथा श्री शिव गीता से। नमो नारायण।